अरे पचौड़ी जी, अरे पचौड़ी जी सामने खोल दो, खोल जब भी कपड़ा खोल दीजिए रुकवा देंगे हम बैठेंगे शांति जाने का चारों तरफ आप अपना साथ खड़े हो नहीं फिर आ रहा है आप जा रहे हो कहाँ मंजिल है क्या इसके तरफ पर आप बढ़िया फोटो बन जाएगी अच्छी मुख्यमंत्री की 200 पीछे हम बोर्ड श्री रामगोपाल जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री सत्यदेव पचौरी जी, माननीय सभी लोग तालियों के माध्यम से इस वेला में जुड़ सकते हैं। दीप प्रज्वलन माध्यम है संकल्प का, खादी और ग्रामोद्योग की बहुत सारी योजनाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि लोगों के अनावरण के पश्चात वो बटन दबाकर इन समस्त योजनाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से संबद्ध करने का शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना, सहकारिता योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार की स्वच्छता में देश ने बहुत अच्छी उन्नति की है। स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के अंदर न केवल सामान्य साफ सफाई के बारे में आम नागरिक को जागरूक करने का एक बृहद कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया, अभी तो हर गरीब के पास अपना स्वयं का एक टॉयलेट हो, स्वच्छता के प्रति जागरूकता के इस क्रम में करोड़ों की संख्या में उन गरीबों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराना और इसे स्वच्छता के साथ साथ नारी सम्मान के साथ जोड़ना, यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। उत्तर प्रदेश ने इसमें काफी अच्छी बढ़त ली। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश में कवरेज केवल 20% था और नेशनल कवरेज उस समय 63% था और आज उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में 99% से ऊपर पहुंच चुका है और नेशनल एवरेज अभी 94% है। उत्तर प्रदेश की इस छलांग को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सराहा है और उसी दिशा में गांधी जी के 150वीं जयंती कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग विभाग को कुछ कार्यक्रम दिए गए थे। खादी स्वदेशी का प्रतीक है, स्वदेशी स्वावलंबन का प्रतीक है और हम स्वदेशी को स्वावलंबन के साथ जोड़ करके गांधी जी के इस मिशन को हर गांव और हर घर तक पहुंचाएं, इस बात को लेकर के आज यहां पर खादी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भारत सरकार के मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, अन्य राज्यों से भी खादी बोर्ड से जुड़े हुए पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
इसने विगत 1.5 वर्ष के दौरान इस दिशा में कुछ अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव कार्य योजना लागू की है। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी मैपिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी ब्रांडिंग हो, कम पैसे में ज्यादा रोजगार, कम जगह घेर करके ज्यादा लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर लेना, उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है कि पहले से ही इस प्रकार के उद्यम प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन शासकीय स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता थी। हरित खादी संस्था और प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराएगा उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। दूसरा एमओयू